देव भूमि वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं है, ये स्वयं में हमारे मान अभिमान और देश प्रेम को समेटे हैं। इसे आजादी की लड़ाई के लिए गाया गया और अब इसे देश के बढ़ते गौरव और इस देश की मिट्टी से हमारे प्रेम के लिए गाते हैं। प्रेम और उत्साह का संचार करता है वंदे मातरम। ऐतिहासिक लाल किला और उस पर शान से लहराता हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा। और इसी लाल किले की भव्य दीवारों पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशस्तियों को सजाया गया है। इनमें उस प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को भी देखा जा सकता है। इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हम सभी देशभक्तों के योगदान और बलिदान को आज याद कर रहे हैं। आज हर उस विभूति को देश याद कर रहा है जिनके प्रयासों से आजादी की लड़ाई को बल मिला और आखिरकार हम आजाद हुए। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में कम जानकारी है, या वे भी जो गुमनाम रह गए, उन सभी को सादर नमन। बिफोर द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस बिकेम अ मूवमेंट, बिफोर इट गैदर्ड मोमेंटम, इट स्टार्टेड एज अ ड्रीम ड्रीम्ड बाय थिंकर्स, विजनरीज एंड लीडर्स। इट स्टार्टेड एज अ सॉन्ग एंड अ चांट, Vande Mataram, inspiring people, stirring emotions and leading actions. It started as a sentence that became a mantra of thousands. Swaraj is my birthright and I shall have it. And in this saga of what went into making us today, who we are, some of the most inspiring stories are people who we have not read about, silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes
who gave patriotism true meaning. In fact, whenever we think of the independence movement, the bespectacled, calm and benign gaze of Mahatma Gandhi or Bapu flashes across the mind. And we had so many other people, so many others who quietly gave their all. आज का दिन इन सभी नाम अनाम देशभक्तों को याद करने का विशेष दिन है। लाल किले की दीवार पर तीन जगह है इन प्रशस्तियों को सजाया गया है। आज ये कल्पना करना कितना कठिन है कि इन देशभक्तों को किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ा। 200 साल की गुलामी थी, बहुत लंबा संघर्ष चला, लक्ष्य आसान नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम तक उसके उपनिवेश थे, लेकिन इन देशभक्तों के बल पर भारत ने आजादी पाई और आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं और लाल किले की प्राचीर के सामने अलग अलग स्कूलों के 792 सीसी कैडेट्स मौजूद। इन कैडेट्स ने भारत के मानचित्र की भौगोलिक फॉर्मेशन में इसे रचा है। लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ। Nearly 800 NCC cadets forming the map of India from the snowy mountains, the beautiful mountain lakes and the peaceful regions of the northeast to the central and vibrant part of India. Color, culture, creativity, festivity. Our beautiful sand dunes, the somber sand color, and the gorgeous costumes. Haryana, the heartland. And we have here, as you can see, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, all being represented, of course, one of the seven wonders of the world, Taj Mahal. A varied land and beautiful topography, all interspersed with lovely bits of culture. In fact, everything sprouting from this beautiful land we call our mother. भारत की भूमि को आशीर्वाद प्राप्त है। जमीन, जंगल, पहाड़, प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, संस्कृति, खान पान, विविधता, सब कुछ भरपूर है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में अनूठे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। असाधारण इतिहास, संस्कृति और विविधता की वजह से ये अनोखे हैं और विशेष भी। हर जगह की अपनी खासियत है जो सभी को लुभाती है। हर राज्य, हर प्रदेश जीवन के अनुभवों को समृद्ध करने वाले हैं। ये सब मिलकर भरते हैं भारत के गौरव में शानदार रंग। From the beautiful seven sisters of the northeast to the heartland of India and of course the sea-kissed and ocean-kissed coastal areas. Beauty is when colors come together, not to merge into one another to form one color, but to retain their individual identities and stand shoulder to shoulder to form a larger identity, inclusive, unique and awe-inspiring. That's the power of being different yet together, of coming from different places but belonging to one country, of having different faiths but one belief, that without us there is no me. And so today in our hearts, hopes and homes, let's celebrate all the color that makes us one, all the faiths that make us Indian and all the strengths that make us human. And each time that we see a flutter in our tricolor, let the one in me be replaced
by all of us as one in India. आकाश में इंद्रधनुष में तो सिर्फ सात रंग होते हैं, लेकिन भारत के इस इंद्रधनुष में कई रंग मिले हैं, इसीलिए इसकी छटा बिल्कुल अलग है। ये विशिष्ट दीर्घा गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए, भारत जैसी विविधता वाला देश दुनिया में शायद ही कोई हो। विशाल देश, अलग अलग संस्कृतियां, बोली, भाषा, खान पान, वेशभूषा और 75 वर्ष पहले जब भारत आजाद हुआ, तब से अब तक की उसकी यात्रा ऐसे ऐसे पड़ावों से होकर गुजरी है जो ऐतिहासिक हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए हमने उम्मीदें भी जगाई और उपलब्धियों के कीर्तिमान भी बनाए। क्रांतिकारियों की शहादत, आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का गौरवशाली लम्हा रहा 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। तब से एक लंबा सफर तय कर आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में देश ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान कर सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया। पिछले 7 दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। किसानों की उपज बढ़ी, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ, तो श्वेत क्रांति से किसानों के चेहरे खिल उठे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI की पहल हो या फिर मूल्य नियंत्रण के लिए MRP को लागू करना, इन सब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। इसरो ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अंतरिक्ष में कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस पर देश और दुनिया को गर्व है। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। 1971 का युद्ध हो या कारगिल संघर्ष, भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से तिरंगे का मान बढ़ाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करना भारत के फौलादी इरादे और बुलंद हौसले की गौरव गाथा है। एक साक्षर नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकता है, इसी सोच के साथ शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान से गांव-गांव तक पढ़ने लिखने का माहौल बना। तो वहीं IIT और IIM जैसे संस्थानों ने हायर एजुकेशन में भारत को दुनिया में पहचान दिलाई। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की घर घर पहुंच ने सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाकर डिजिटल इंडिया के सपने को पर लगा दिए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर एक दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग के रिकॉर्ड निर्माण तक के बेमिसाल सफर में इस देश ने सुदूर गांवों को महानगरों से जुड़कर नया इतिहास गढ़ते देखा है। काले धन पर अंकुश लगाने की बात हो या फिर एक राष्ट्र एक कर की, ये देश हमेशा से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नजरिए से भारत दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। कोरोना महामारी का कुशल प्रबंधन, 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज की अनूठी उपलब्धि के साथ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाले भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित की। नेपाल और श्रीलंका में जब हालात बिगड़े
तब भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहायता पहुंचाकर सच्चे मित्र राष्ट्र की भूमिका निभाई। जगत गुरु कहलाने वाले इस देश की पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बढ़ती साख ने इसे एक अलग मकाम दिलाया है। स्वच्छता का मिशन हो या कमजोर तबके का बैंक से रिश्ता, बेटियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच हो या किसानों की प्रगति का ये सुनहरा सफर, ये देश 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Success can be individual, but progress has to be collective. The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that come with freedom, the life force of democracy. In the special VIP enclosures, the dignitaries started arriving and taken their seats here at the historic Red Fort. The Red Fort is this grand red sandstone fortress, the centerpiece without doubt of our Independence Day celebrations, and this is the place where the history of individual India was crafted, and today it is a connect between the past and the modern present. The people of a democracy are its driving force, the engines of its renewal, revival and reform. Governance has always had to lead from the front in ensuring that all policies, politics and processes ensure that the fruits of progress reach the last mile and bring about equity, enhancing access to opportunities for the marginalized. The last 8 years have also seen India moving strongly and surely in this direction. पिछले 8 साल न्यू इंडिया के निर्माण की शिल्पकार मोदी सरकार, कमाल के काम और उपलब्धियां बेमिसाल, यही है मौजूदा सरकार की विशेष पहचान। लोगों का भरोसा और शासन में पारदर्शिता पिछले 8 सालों में सरकार की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में किसानों की खुशहाली बनी है राष्ट्र की खुशहाली। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को राहत और संबल प्रदान किया है। कृषि में उन्नत तकनीक मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और 35 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे इसी दिशा में सार्थक कदम है। अन्नदाताओं के लिए चलाई गई है किसान रेलगाड़ियां। रिकॉर्ड निर्यात होने से देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो वही रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह ने उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। 8 सालों में बनाई सुनियोजित योजनाओं का ही कमाल है कि पूरी हुई है बढ़ती बिजली की मांग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया से बढ़ा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वोकल फॉर लोकल से स्वदेशी की मांग बढ़ी है और बढ़ा है स्थानीय कारोबारियों का आत्मसम्मान। युवा भारत तरक्की और उन्नति का पर्याय बन गया है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप ने युवाओं को बनाया है कुशल और जॉब प्रोवाइडर। यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या प्रगति का नया आयाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिस पर देशवासियों को फख्र है।
कोविड के दौरान विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन और यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से खुशहाली बढ़ी है और मिलने लगा है वहां के लोगों को उनका अधिकार। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मोदी सरकार ने वर्षों पुराना सपना किया है साकार। पंचामृत के जरिए धरती को हरा भरा बनाए रखने की पहल हो या नमामि गंगे मिशन से गंगा की साफ सफाई का अभियान, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना हो या फिर जंगलों का विस्तार, 27 शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख के पार और नए भारत को गति प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, बीते 8 साल में हर मोर्चे पर कामयाब रही है मोदी सरकार। दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसकी स्वीकार्यता, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर देशवासी को नाज है। सरकार की नीतियों का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसीना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। अष्ट लक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के राज्यों का चहुमुखी विकास पिछले 8 सालों में अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम को दी है एक नई पहचान। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए संकट में सहारा बनकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। डिजिटल होती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा और शिखर को छूने की दूरदर्शिता भी दिखी है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का अनूठा संकल्प है नई शिक्षा नीति। पिछले 8 सालों में खेल के मैदान पर बने हैं ढेरों कीर्तिमान। खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाओं से ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने परचम लहराकर देश को गौरवान्वित किया है। पिछले 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों के बेहतर भविष्य की नींव है। एक ऐसी नींव जिस पर सशक्त भारत की गौरवशाली इमारत शान से खड़ी हो रही है। One of the largest growing economies in the world, India today surging ahead, using technology to empower. India is a nation which has special needs, special requirements and challenges, of course, also very special strengths, fueled by people, perspectives and progress. Just before the Prime Minister's address to the nation, flower petals will be showered by two Mi-17 helicopters in Amrit formation. These are from the 129 helicopter unit, also called the Nubra Warriors, and the formation will be led by Wing Commander Anand Vinayak Aghashe and Wing Commander Nikhil Mehrotra will be in the second helicopter. While following the two Mi-17s in line astern formation will be two Dhruv helicopters from 111 helicopter unit, referred to as the Snow Tigers, and this is the first unit of the Indian Air Force to induct these indigenous advanced light helicopters made by Hindustan Aeronautics Limited, making them the proud flag bearers of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. आज का ये समारोह कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अमृत फॉर्मेशन में दो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहाँ फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी जाएंगी और राष्ट्रगान के समय पहली बार लाल किले पर समारोह के दौरान सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित घरेलू हॉविट्ज़र तोप, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप द्वारा
औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोप पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। पहली बार 21 तोपों की सलामी में स्वदेशी तोप शामिल है। 21वां गोला इसी तोप से छोड़ा जाएगा और ये तोप की गूंज नहीं, ये भारत की गूंज है। Absolutely. In fact, this prototype of the advanced towed artillery gun system has been specially customized with certain technical specifications being tweaked for the ceremony. हर 15 अगस्त को लाल किले का माहौल पूरी तरह से निखर उठता है, चाहे धूप खिले, बादल हों या बारिश। यहां मुख्य समारोह की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इस समारोह की भव्यता और आयोजन की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियां जुटती हैं और इस समारोह का शानदार प्रसारण आप तक पहुंचता है दूरदर्शन के माध्यम से। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए 44 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 4 PTZ कैमरा और 4 ZimiZip कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दूरदर्शन ने प्रधानमंत्री के काफिले को कवर करने के लिए पहली बार लाल किले स्थित दिल्ली गेट दरवाजे की तरफ 6 कैमरे इस तरह प्लेस किए हैं कि बैकड्रॉप में स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी भी नजर आती है। पूरे समारोह को एक नए एंगल से दिखाने के लिए ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। गुरुद्वारा शीश गंज के ऊपर लगे इस कैमरे से चांदनी चौक से लाल किले को सीधे देखा जा सकता है। लाल किले और चांदनी चौक पर लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। राजघाट आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और बैकपैक कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 125 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है। मुख्य समारोह स्थल पर हाई क्वालिटी ऑडियो का बेहतरीन प्रबंधन किया है सिग्नल रेजिमेंट ने। स्वाधीनता दिवस समारोह के इस मेगा प्रसारण की ओवरऑल इंचार्ज हैं प्रिया कुमार और सुनील, तकनीकी प्रभारी हैं अभिषेक अग्रवाल और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र सिंह चौहान। लाल किले की प्राचीर के सामने ये गारद मौजूद, पहले इसी लाल किले से सटकर यमुना बहती थी वक्त के साथ, अब वो यहां से जरा हटकर बहती है। आज के समारोह में बड़ी उत्सुकता से शामिल यहां गण्यमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक और सभी विशिष्ट गण, विदेशी मेहमान, और यहां यह भी बताना महत्वपूर्ण होगा कि 14 देशों के 26 अधिकारी और 127 कैडेट्स यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 9 से 17 अगस्त के बीच भारत में है।
और आज यहाँ मौजूद हैं। लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा वो आगरा और दिल्ली में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी देखने जाएंगे। Today we come together to celebrate our 76th Independence Day. With the past giving us context and a point of reference and the present keeping us alive and aware of our needs and deeds today and the future basing itself on the hope that we think of the well-being of the country first before our personal opinions or agendas. And what bigger celebration that unites the largest democracy in the world. With more than 1.35 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green, the colors, when they come together, stop being individual colors, but come together as one called India. Lal Kile ki prachir ke samne aur pure is ilake mein rangon ki adbhut chhata hai. और हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश बापू का स्मरण कर रहा है, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राजघाट पर कुछ ही देर में आगमन होगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बापू को नमन। The apostle of peace and non-violence. Who led our freedom struggle towards the path of truth and peaceful protest. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial in the form of a black marble stone platform, just beneath the open sky, without any claddings on top or any sides. And here the arrival of Prime Minister Narendra Modi to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Of reverence and gratitude as the flame of truth and non-violence rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना।
सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort, standing regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance and soul. Centuries of history embodied in the 17th century fortress palace, its significance transcending time and space. भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में जोश और उमंग की भावना जागती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रीय ध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, तिरंगे की धूम, आजादी का अमृत महोत्सव। The national flag, a symbol of the ultimate patriotic spirit. And today, as our national flag flutters proudly all across the nation, we know that it carries with it the saffron of sacrifice and steadfast calm. The white of peace and the benign gaze, and of course the green of prosperity and our connection to the earth. लाल किले के सामने चांदनी चौक और जहां भी नजर वहां तिरंगा। ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है, और ये तिरंगा हम सबका मान है। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर बिठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगे से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी। ये लक्ष्य भी है। लाल किला, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। In the dignitaries to await the Prime Minister's address and speech and what he is going to outline and foreground. And across the street we have Chandni Chowk. पर लाल किले के आसपास का वातावरण सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। हमारी कई खूबियों में से एक है हमारी विविधता। भारत की विविधता इसका सबसे खूबसूरत रंग है और इसमें हर रंग समाया है। लाल किले के सामने जामा मस्जिद जो भोजला पहाड़ी पर बनी है, आर्य समाज मंदिर, भारत की संस्कृति और परंपरा यही है कि दुनिया में सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। गुरुद्वारा सीसगंज, खुला मन, विशाल हृदय, पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक। गौरी शंकर मंदिर और जैन लाल मंदिर जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है। पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक, ये मंत्र हम जानते हैं और जपते भी हैं। In fact, unity in diversity is very
often used and has the danger of becoming a cliche. But in India, the endeavor is to always foreground it and actually become action in our everyday action. तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं और स्वतंत्रता कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। ओ भैया, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखो यार। आपको बताएं कि अशोक गहलोत जो है पीसीसी पहुंच चुके हैं, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में थोड़ी ही देर में स्वतंत्रता दिवस की धूम मचने वाली है। यानी कि जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस का, वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। ध्वजारोहण जो है थोड़ी ही देर में किया जाएगा। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, पीसीसी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में 75वें स्वतंत्रता दिवस की, या फिर कहें 75वें अमृत महोत्सव की जो शुरुआत है वो की जाएगी। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के लाल किला, जहां पर बड़े ही उत्साह के साथ में स्वतंत्रता दिवस की धूम मचती नजर आ रही है। वो देश के साथ साझा करेंगे। Prime Minister has arrived for his speech. Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the Guard marching away. और आकाश में भी 17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण
और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face.